क्या आपने एक मूवी देखी है शादी में जरूर आना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सत्येंद्र सब रजिस्ट्रार आरती को गिरफ्तार करने का आदेश देता है और बाद में पता चलता है कि आरती को अपने ही दोस्त से जान का खतरा होता है और सत्येंद्र उसे बचाने के लिए ही जेल में भेजने के ऑर्डर्स देता है, यानी कि फॉर द सेफ्टी ऑफ आरती। आपको लग रहा होगा मैं यहाँ फिल्म की कहानी क्यों सुना रहा हूँ, यूट्यूब पर थंबनेल तो कुछ और ही था, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है सिक्किम में भी। नेपाल की एक यूट्यूब ब्लॉगर उमा चामलिंग राय को सिक्किम में अरेस्ट किया गया अंडर आईपीसी सेक्शन 153A, 153B और 505 यानी सांप्रदायिक अशांति फैलाने के जुर्म में। एफआईआर दर्ज की गई प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा की सदस्य शीला राय द्वारा, जिन्होंने एक वीडियो रिलीज में उमा चामलिंग राय को बिकाऊ यूट्यूबर तक कह दिया। ये भी आरोप लगाए गए कि उमा सिक्किम की ऑपोजिशन पार्टी एसडीएफ से इनडायरेक्टली जुड़ी है और आने वाले इलेक्शंस को प्रभावित करने के उद्देश्य से सिक्किम में आई। अरेस्ट के बाद उमा को सिक्किम की अदालत ने 5 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। नमस्कार, आप सभी का द कॉर्ड में स्वागत है। अरेस्ट हुआ 30 दिसंबर 2023 को, लेकिन दो दिन पहले 28 दिसंबर को ही सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के स्पोक्सपर्सन जेकब खालिंग राय एक प्रेस रिलीज करते हैं, स्टार्टिंग विद परम आदरणीय सिक्किम की जनता, और कहते हैं कि सिक्किम हमेशा से ही विदेश से आए आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स पर्सन और अन्य लोगों का स्वागत करता आया है। लेकिन कब? जब वो बाई लॉ सिक्किम में एंटर करते हैं। बाई लॉ यानी कि इनर लाइन परमिट लेकर, जो कि उमा चामलिंग राय ने नहीं लिया था। लेकिन इसके बाद वो ऐड करते हैं कि सिक्किम के किसी भी पॉलिटिकल कार्यक्रम में अगर कोई बाहरी व्यक्ति आए तो ये चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन पॉलिटिकल कार्यक्रम कौन सा? राय कम्युनिटी के लोग हमेशा से ही अपने समुदाय की परंपरा कल्चर को सेलिब्रेट करते हुए आए हैं और उनके एक सेलिब्रेशन को साकेवा कहा जाता है और इसी तरह का एक साकेवा सेलिब्रेशन वेस्टर्न सिक्किम के लक्षिप में हो रहा था। लेकिन एज पर जेकब, लक्षिप का सेलिब्रेशन किसी भी गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा नहीं किया गया, बल्कि सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट का पॉलिटिकल प्रोग्राम है जिसमें वो साकेवा सेलिब्रेट करते हैं। वही रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने सिक्किम के नामची में एक साकेवा सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज किया जहां मुख्यमंत्री भी गए। लेकिन बात तब आगे बढ़ती है जब जेकब कहते हैं कि एसडीएफ की पार्टी ने नेपाल के यूट्यूबर को उनके इस पॉलिटिकल इवेंट में शामिल होने के लिए लोगों को उत्तेजित करने के लिए बुलाया। सिक्किम को एउटा राजनीतिक कार्यक्रम में सिक्किम बाहिर अनि देश बाहिर बाट पनि यस्तो मान्छेहरु आउँदैछ जसले भोलि भारत देशकै सुरक्षामा पनि ठूलो प्रश्न चिन्ह राख्न सक्छ। जनाब तो रॉ का भी नाम ले लेते हैं ये कहकर कि बाहरी मुल्क के किसी भी व्यक्ति को देश के राजनीतिक कार्यक्रम में इस तरह से इंटरफेयर करना बंद करना होगा, क्योंकि इससे नेशनल सिक्योरिटी को भी थ्रेट है। बात तो बिल्कुल सही है। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया में भी कई लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने गोले सरकार का साकेवा अलग और पवन चामलिंग का साकेवा अलग जैसे कमेंट भी किए, यानी कि एक त्योहार जो लोगों को एकत्रित करता है उसे कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड फेस्टिवल बना दिया गया। और ये बनाया किसने, किस पार्टी ने, ये शायद सिक्किम की जनता ज्यादा बेहतर समझती होगी और सिक्किम की जनता ही इस पर जवाब दे सकेगी। लेकिन नेपाल की जनता भी एक जवाब दे सकती है और वो है कि अगर कोई व्लॉगर किसी फेस्टिवल को मनाने के लिए सिक्किम से नेपाल जाता है तो क्या उन्हें भी नेपाल की रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी के दो अलग अलग फेस्टिवल्स में डिवाइड किया जाएगा? वैसे इस टाइप के सिनेरियो को कहा जाता है सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट या सेलिब्रिटी कैंपेनिंग, जहां पर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे सेलिब्रिटी या फेमस आर्टिस्ट को बुला लेती है जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता लेकिन एक अच्छी फॉलोअरशिप होती है और उसी फॉलोअरशिप का फायदा मिलता है उस पॉलिटिकल पार्टी को। लेकिन क्या उमा चामलिंग राय का केस सच में किसी तरह का सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट था? खैर, वापस चलते हैं जेकब खालिंग राय की प्रेस स्टेटमेंट पर। और जेकब अगर कहते हैं कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को स्टेट के पॉलिटिकल इवेंट्स में भाग नहीं लिया जाना चाहिए तो हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं। मान्छेहरुको उपस्थिति हुन्छ र हरेक वर्ष हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सरकारको प्रमुख त्यो टुरी खेलको कार्यक्रममा आउनुहुन्छ। तर मलाई
सकी त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको अनुहार त्यहाँको राष्ट्रपतिको अनुहार हामीसँग मिलेको देखिँदैन थियो तर आज सिक्किम सरकारको मुख्यमन्त्रीको अनुहार हामीसँग मिलेको हाम्रो जस्तै कद भएको जस्तो लाग्दा यो त्यन्ताम पनि हाम्रै हो जस्तो लाग्यो। इस वीडियो में बोलने वाले शख्स हैं रोशन गुरुंग जो कि नेपाल से हैं। ये वीडियो है 2022 में सिक्किम के देन्ताम में आयोजित गुरुंग कम्युनिटी के त्योहार तमु लोसार की, जहां मौजूद हैं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेसिडेंट और सिक्किम के चीफ मिनिस्टर पीएस गोले। और इस सेलिब्रेशन में रोशन कहते हैं कि नेपाल में उनके प्राइम मिनिस्टर का चेहरा भी उनकी कम्युनिटी यानी गुरुंग कम्युनिटी के साथ मैच नहीं करता है, बल्कि सिक्किम के चीफ मिनिस्टर का चेहरा उन लोगों के साथ मैच करता है। यानी कि ये बयान कहीं ना कहीं नेपाल के प्रधानमंत्री की कम्युनिटी खस कम्युनिटी का अपमान है। तो क्या एसकेएम की प्रेसिडेंट की मौजूदगी में दिया गया ये बयान एक कम्युनिटी फेस्टिवल सेलिब्रेशन में दिया गया बयान नेपाल के व्यक्ति द्वारा सिक्किम में दिया गया एक कम्युनल बयान क्या ये कम्युनल हार्मनी को डिसरप्ट नहीं करता? ये शायद सोचने वाली बात है। अरेस्ट तो हुआ, लोगों ने अपनी अपनी बातें भी कही, लेकिन पहले जानना होगा कि उमा चामलिंग राय है कौन और लोग किस पॉलिटिकली मोटिवेटेड वीडियो की बात कर रहे हैं। नेपाल की ब्लॉगर उमा चामलिंग राय विद ओवर 1 लाख फॉलोअर्स ऑन फेसबुक 12 दिसंबर 2023 को एक पोस्ट करती है जिसमें वो अपने अंदाज में सिक्किम आने की घोषणा करती है, लेकिन उनकी इस पूरी वीडियो में कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नजर नहीं आता जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो। 12 दिसंबर को वो नामची जाती है और अगले दिन सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में पहुंचती है, लेकिन गैंगटॉक पहुंचने से पहले वो नामची के होटल से व्लॉग बनाती है इन विच शी मेंशंस उन्हें गैंगटॉक पहुंचकर पवन चामलिंग राय को मिलने की इच्छा है। गैंगटॉक जाते गैंगटॉक में गए हम बा पवन चामलिंग राय भेटने ठूल इच्छा सब है मैं एकदम धीरे क्या और वो इच्छा है क्योंकि दोनों ही चामलिंग राय हैं, साथ ही उन्होंने 25 सालों तक सिक्किम राज्य पर शासन भी किया है। इस लाइन के साथ शायद कुछ लोग यहाँ पर पॉलिटिक्स को जोड़ने की कोशिश जरूर करेंगे। 21 दिसंबर को उमा फिर से एक वीडियो अपलोड करती है, इसमें वो गैंगटॉक के मांगखेम में घूमने जाती है और इस वीडियो से पता चलता है कि जिस घर में वो रुकी थी वहां पर पवन चामलिंग की फोटो दीवार पर लटकी हुई थी और पवन चामलिंग की स्माइल से उन्हें पॉजिटिव वाइब्स मिलती है, ऐसा वो कहती है। आगे वो फिर वीडियो में उन सभी जगहों को दिखाती है जिनका निर्माण पवन चामलिंग सरकार द्वारा करवाया गया था। फिर वीडियो के एंड में उमा कहती है कि पवन चामलिंग ने कितना अच्छा काम किया है जिस वजह से उन्हें इन द कोर्ट्स सपोर्ट भी किया जाना चाहिए। जिसके बाद 24 दिसंबर को उमा फाइनली एक फोटो अपलोड करती है पवन चामलिंग राय के साथ और 26 दिसंबर को एक बार फिर से एक व्लॉग बनाया जाता है। इस बार डिफरेंस सिर्फ जगह का होता है, यानी कि उमा जाती है बनझकरी फॉल्स में, लेकिन कॉमन बात अब भी वही होती है, हमारे पवन चामलिंग राय द्वारा बनाई गई बनझकरी फॉल्स। और इसके बाद आती है वो वीडियो जिसे लेकर शुरुआत होती है कॉन्ट्रोवर्सी की। सेवा हुआ स्यामुन्ना सम्पूर्ण सिक्किमवासीहरूलाई नमस्ते। म चाहिँ पर्सि लेक्सेप ग्राउन्डमा 30 तारिक आउँदैछु तपाईँहरूसँग साकेला नाच्नुको लागि, हो सबैजना आउनु है। 26 दिसम्बरको ही उमा एक और भिडियो अपलोड गर्दै है जसमा वो सिक्किम के सभी लोगों को लेक्सेप में 30 दिसम्बर के दिन होने वाले साकेवाद सेलिब्रेशन में इन्वाइट करती है। हालांकि इस पूरी वीडियो में ना ही वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का जिक्र करती है ना ही किसी नेता का। उमा सिर्फ इतना कहती है कि सभी राय कम्युनिटी के लोगों को अपने ही कल्चर और अपने ही ट्रेडिशन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, लेकिन जेकब खालिंग राय के अनुसार लेक्शिप में साकेवा सेलिब्रेशन नहीं बल्कि एसडीएफ का पॉलिटिकल इवेंट होता है। तो सच क्या है, उमा चामलिंग राय साकेवा के लिए ही इन्वाइट कर रही थी या किसी पॉलिटिकल इवेंट के लिए? ये शायद सिर्फ उमा खुद या सिक्किम की पॉलिटिकल पार्टीज ही बता सकती। खैर, इसके बाद उमा एक और व्लॉग अपलोड करती है 28 दिसंबर के दिन नामची चार धाम का और इस वीडियो में उमा कहती है, दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू माय कोपा पवन चामलिंग राय। कोपा यानी कि ग्रैंडफादर या उनके समान व्यक्ति। जिसके बाद ये कहती हैं कि उन्हें पवन चामलिंग की सोच बहुत पसंद आई। व्लॉग का एंड होते ही वो फिर से पवन चामलिंग राय को शुक्रिया करती हैं जिन्होंने हिंदुओं के लिए चार धाम का निर्माण करवाया। इसके बाद लगातार 3 दिनों तक उनकी कोई पोस्ट नहीं आती और इसी दौरान उमा को किया जाता है अरेस्ट। लेकिन अरेस्ट क्यों? क्या पवन चामलिंग राय का नाम लेना और उनके साथ फोटो खिंचाना इसके पीछे का कारण हो सकता है? क्या इन्हीं दो चीजों के कारण उन्हें टारगेट किया गया?
इस मुद्दे पर हमने सिक्किम के कई लोगों के आर्टिकल्स पढ़े जिनमें यह लिखा गया था कि उमा चामलिंग राय ने अपनी वीडियोस में किसी भी तरह की राजनीति वाली बात नहीं की। तो क्या वो अरेस्ट सही में सिर्फ फोटो को लेकर किया गया था? आज के दिन में अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाती है, उनके साथ तस्वीर खिंचाती है, तो क्या इस वजह से ममता बनर्जी पर कोई केस लगा दिया जाना चाहिए? ऐसा भी कुछ सवाल हमें कमेंट्स में स्क्रॉल करते वक्त दिखाई। नेपाल पहुंचने के बाद उमा फेसबुक लाइव करती है जिसमें वो रिवील करती है कि वो कुछ दिनों के लिए सिक्किम गई थी और चेक पोस्ट पर किसी भी अधिकारी ने उनकी आइडेंटिटी को चेक नहीं किया था। नेपाल से जब भी कोई सिक्किम आता है तो उसे ILP यानी इनर लाइन परमिट लेने की भी जरूरत होती है, लेकिन वो भी उमा को नहीं दिया गया था। ILP जैसा इंपॉर्टेंट परमिट बाहर से आए किसी भी व्यक्ति को ना दिया जाना किसकी गलती हो सकती है? इस पर आप विचार जरूर कीजिएगा। उमा सिर्फ साकेवा मनाने के लिए सिक्किम में कुछ दिन और रुकी थी और जब उन्हें पता चला कि नामची और लक्षद्वीप दोनों ही जगह से मनाया जाता है तो उन्होंने पहले नामची जाने का निर्णय लिया, जहां उमा को राय कम्युनिटी द्वारा पहने गए वस्त्र पसंद नहीं आए और फिर उन्होंने उस लक्षद्वीप इन्विटेशन वाली वीडियो को रिलीज किया, ये कहते हुए कि राय लोगों को अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन फिर वो दुख जताते हुए कहती है कि उन पर अचानक से केस लगा दिया गया और केस लगाने वाली भी उनकी ही कम्युनिटी की यानी राय ही थी। इसी लाइव वीडियो में उमा कहती है कि सिक्किम में लोग एक दूसरे को ही अलग अलग करते हैं। वो सोचा करती थी कि नेपाल के लोग और सिक्किम के नेपाली भाषी लोग एक से ही होते हैं, पर उनके लिए सिक्किम का ये एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। उन्होंने ये भी कहा कि ना ही उन्हें फोन चलाने दिया गया, ना ही किसी से बात करने दी गई, उन पर केस लगाए गए बिना किसी आधार के, और जो उमा सिक्किम आने पर हंसते खिलखिलाते व्लॉग्स बना रही थी वो सिक्किम से रोते हुए विदा हुई। अगले दिन फिर से उमा एक वीडियो अपलोड करती है और रोते हुए कहती है कि सिक्किम द्वारा जिस तरह उन्हें ट्रीट किया गया, सिक्किम की पुलिस द्वारा जिस तरह ट्रीट किया गया, वो उसे एक न्यू ईयर गिफ्ट के रूप में लेती है। धीरे धीरे धन्यवाद सिक्किम को सरकारलाई, सिक्किम को मान्छेहरूलाई, हैन मलाई यति राम्रो भनौँ न गिफ्ट तपाईँहरूले दिनुभयो नयाँ वर्षको। त्यही हो मेरो गल्ती, त्यही हो मैले साकेलाई मनाउन आउँदैछु भन्ने गल्ती भयो। आफ्नो संस्कार संस्कृतिको बारेमा बोल्दाखेरि आफ्नै मान्छेहरूले त्यस्तो गर्यो, होइन केही छैन। र थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई। और इस भिडियोमा भी उन्होंने अपने दुखको जाहिर किया। और अंत में उमा की एक और वीडियो अपलोड होती है जिसमें वो सिक्किम में उनको दिए गए प्यार और सपोर्ट के लिए लोगों को शुक्रिया करती है, जिसमें वो कहती है कि वे सभी सिक्किम वासियों से नाराज नहीं है बल्कि सिर्फ कुछ लोगों के कारण उनका दिल दुखा है। उमा चामलिंग राय एक व्लॉगर, एक डिजिटल क्रिएटर, कॉन्टेंट क्रिएटर, और कॉन्टेंट क्रिएटर से याद आता है 21 दिसंबर 2023 के दिन सिक्किम के CM PS गोले द्वारा लॉन्च की गई एक मल्टी करोड़ की नई योजना, सिक्किम क्रिएटर प्रन्योर योजना। सुनने में कितना यूनिक लगता है ना, लेकिन है भी यूनिक, क्योंकि इस स्कीम में उन सभी कॉन्टेंट क्रिएटर को कैश अवार्ड्स मिलने हैं जो सरकार की अन्य स्कीम को लेकर कॉन्टेंट बनाएगी, और ये कैश प्राइजेस हैं 10,000 रुपए से लेकर 5,00,000 रुपए। CM खुलेआम अनाउंस करते हैं लोगों से वीडियोस और रील्स बनाने के। इससे प्रूव होता है कि SKM डिजिटल क्रिएटर्स को लेकर कितना अच्छा कार्य कर रही है। 10,000 देखि 50,000 जसको फलोअर भयो उसलाई हामी 30,000 रुपए दिन्छौ, 30,000 दिन्छौ उलाई, अनि जसको चाहिँ 50,000 देखि 1,00,000 हुन्छ त्यसलाई हामी 50,000 दिन्छौ, अनि जसलाई एक जसको चाहिँ 1,00,000 देखि 5,00,000 हुन्छ त्यसलाई 1,00,000 दिन्छौ। लेकिन उन्हीं के रूल में एक डिजिटल क्रिएटर को अरेस्ट भी किया जा सकता है, ये शायद सिक्किम की जनता ने कभी सोचा नहीं हो। अब आती है पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप की बारी। अगर SKM के किसी सदस्य ने FIR करवाई है तो सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट वाले चुप कैसे रह सकते हैं? और हुआ भी ऐसा ही। जुन हेर्नुहोस् उमा चामलिङ भनेको चाहिँ उहाँ चाहिँ नेपालको व्यक्ति, उहाँ चाहिँ यतानिर टुरिस्ट भएर उहाँ आउनुभएको, उहाँ एउटा ब्लगर हो है, अनि हाम्रो सिक्किमको पनि त जान्छ, अरू जग्गातिर जान्छ, नेपालतिर जान्छ, इन्डियाको धेरै भागतिर हामी पनि हाम्रो पनि ब्लगरहरू जान्छ है। तर आज नेपालबाट आएको हाम्रो ब्लगर बहिनी, हाम्रो राई चेलीलाई यसो गर्दाखेरि चाहिँ हामी सम्पूर्ण राई कम्युनिटी हामी अति नै हामीलाई एकदमै दुःख लागेको छ अनि हामीलाई सरम पनि लागेको छ। SDF की स्पोक्सपर्सन योजना राय ने कहा कि उमा सिर्फ एज अ टुरिस्ट सिक्किम में आई थी। योजना ने कहा कि सिक्किम के भी ब्लॉगर्स भारत के अन्य राज्य नेपाल और अन्य देशों में जाते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं, और जो उमा के साथ हुआ वो गलत है, जिस वजह से सभी राय कम्युनिटी के लोग दुखी हैं। लेकिन क्या सभी राय कम्युनिटी के लोग दुखी थे? अगर सभी राय कम्युनिटी के लोग नाराज थे तो उमा चामलिंग राय पर FIR करने वाली भी तो राय कम्युनिटी की ही महिला है।
सवाल उठता है कि क्या ये कम्युनिटीज को लेकर उठाया गया मुद्दा था या फिर सिक्किम की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों के आपसी मतभेद थे जिसमें वह एक सोशल मीडिया सेंसेशन को पॉलिटिकल पॉन बना दिया गया। खैर, योजना राय कहती है कि उमा को एसडीएफ पार्टी की तरफ से कोई इन्विटेशन नहीं मिला था, वे खुद ही घूमने आई थी और इसमें किसी भी तरह का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा नहीं था। लेकिन जिन्होंने उमा को अरेस्ट किया उनका क्या कहना है यह जानना जरूरी है, यानी कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिक्किम पुलिस इन दिस। सिक्किम पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें इनपुट्स मिले थे कि उमा की पर्सनल सेफ्टी थ्रेट में थी और सबसे सुरक्षित कस्टडी पुलिस कस्टडी ही होती है। हाम्रोमा इनपुट्सहरु आएको थियो कि हर पर्सनल सेफ्टी इज अंडर थ्रेट भनेर, सो सबभन्दा बेस्ट कस्टडी पुलिस कस्टडी नै हुन्छ र त्यसको लागि हामीले उहाँलाई कस्टडीमा लिएको थियो र आज बिहानै कोर्टलाई इन्टिमेसन दिएर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हामीले एउटा टिम लगाएर चाहिँ डिस्प्याच गरेको छ र नेपालमा अथोरिटिजलाई उहाँको प्यारेन्ट्सहरूलाई हामी सुम्पिनेछौँ उहाँलाई। उनी अरेस्ट गर्ने के बाद पुलिस की टिमद्वारा उमाको नेपालकै खोताङमा पहुँचा दिया गया। पुलिस ने कहा कि उमा ने कम्युनल वायलेंस डिस्टर्ब करने के लिए एक फेसबुक पोस्ट किया जिस पर कई कमेंट्स आए और फिर पुलिस को इनपुट्स मिले कि उनकी पर्सनल सिक्योरिटी खतरे में। एडिशनल एसपी पासंग लेपचा ने कहा कि उमा को जेल में नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन में रखा गया। तो बात यहां यह भी आती है कि एज पर सिक्किम पुलिस अगर सबसे सुरक्षित कस्टडी पुलिस कस्टडी होती है तो उमा को घर पहुंचाना क्यों इतना जरूरी हुआ? Because as per the local guardian of Uma Chamling Rai, Anita Khaling, उन्हें पुलिस से ये जानकारी मिली कि उमा को नेपाल भेजना ही सबसे सेफ था। यहाँ तक कि उमा को जिस तरह भेजा गया वो भी बिल्कुल खुफिया था, यानी कि उनकी लोकल गार्जियन को भी, यहाँ तक कि उनके वकील को भी उन्हें नेपाल भेज दिए जाने की कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। और उमा पर थ्रेट की इन्फॉर्मेशन जिन सोर्सेस से पुलिस को मिली वो शायद उस सोर्सेस और पुलिस के अलावा किसी को नहीं पता। इतना कुछ हो जाता है लेकिन सिक्किम की जनता को इस सेफ्टी के बारे में कुछ खबर नहीं मिली। ये सेफ्टी अगर थी तो किसके लिए? उमा चामलिंग राय के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, ओपोजिशन के लिए या फिर सिक्किम पुलिस के लिए? और अगर एक व्यक्ति की सेफ्टी के लिए सिक्किम पुलिस उसे घर तक पहुंचा देती है तो इससे ये बात तो पता चलती है कि सिक्किम पुलिस स्टेशन में उस व्यक्ति की सुरक्षा सही तरीके से नहीं हो सकती। तो क्या सिक्किम पुलिस इस काबिल नहीं कि वो सिर्फ एक व्यक्ति को हजारों थ्रेट्स के बीच अपने ही पुलिस स्टेशन में सुरक्षित रख पाए? ये बात कहीं ना कहीं सोचने वाली जरूर है। उमा चामलिंग राय के अरेस्ट के बाद कई व्लॉगर्स नाराज हुए और ये सिर्फ नेपाल के ही नहीं बल्कि सिक्किम और दार्जिलिंग के भी व्लॉगर्स और अन्य आर्टिस्ट हैं जिन्होंने उमा के सपोर्ट में अपनी बात कही। कुछ ने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई व्लॉगर सिक्किम से नेपाल आएगा तो उसकी हालत भी अब ऐसी ही की जाएगी। सिक्किम या दार्जिलिंग से जब भी कोई आर्टिस्ट या परफॉर्मर नेपाल जाता है तो उन्हें भी सम्मान दिया जाता है। कई बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो नेपाल में जाकर नाम कमा चुके और नेपाल के लोगों ने उन्हें ढेर सारा प्यार भी दिया है। हाल ही में नेपाल के एक रियलिटी शो पोएट आइडल में विजेता होने वाली भी सिक्किम की ही नीलम गुरुंग थी जिन्हें नेपाल में भी बेहद पसंद किया गया। और इसी तरह नेपाल से आए व्लॉगर को अरेस्ट किया जाना कहीं ना कहीं वहां के लोगों में आक्रोश पैदा जरूर करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों ने उसी आक्रोश में सिक्किम के खिलाफ कई वीडियोज बनाई, कई रेसिस्ट कॉमेंट्स भी किए। लेकिन जिन सिक्किम के व्लॉगर्स और आर्टिस्ट ने उमा के सपोर्ट में अपनी बात कही उन्होंने उमा से पूरे सिक्किम की तरफ से माफी मांगी, वो भी ये कहते हुए कि अगर सरकार ने उमा की किसी भी वीडियो में सिक्किम के खिलाफ कुछ पाया है या कोई पॉलिटिकल मोटिव पाया है तो उसे पब्लिक में एक्सपोज किया जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं किया तो उन्हें इस तरह अरेस्ट करना गलत है। चीजें पॉलिटिकली कितनी इन्फ्लुएंस हो सकती है क्या कभी किसी व्लॉगर ने सोचा होगा? एसकेएम और एसडीएफ की इस आइडियोलॉजी की लड़ाई में सिक्किम की एक और पार्टी सिटीजन एक्शन पार्टी भी कैसे पीछे हट सकती थी? पार्टी के चीफ कोऑर्डिनेटर गणेश राय ने बयान दिया कि एसडीएफ ने पहले पड़ोसी राज्यों के साथ सिक्किम के संबंध बिगाड़े थे, अब मौजूदा एसकेएम ने नेपाल के साथ संबंध खराब किए। लेकिन बयानबाजी में गणेश राय ने एक बात तो जरूर कही, उमा चामलिंग राय नेपाल से आई जिन्हें शायद सिक्किम की राजनीति की कोई खबर नहीं थी लेकिन उन्हें सिक्किम की दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने फायदे के लिए यूज कर दिया। उमा चामलिंग राय अब अपने घर नेपाल में है। इस पूरे केस के बाद उनके फॉलोअर्स भी कई गुना बढ़ गए। सिक्किम पुलिस को, रूलिंग पार्टी को, अपोजिशन पार्टी को कई लोग सपोर्ट भी कर रहे होंगे और कई लोग बुरा भला भी कह रहे होंगे। एक बाहर से आए कंटेंट क्रिएटर को क्या कुछ सहना पड़ा, राज्य की सुरक्षा के लिए अधिकारियों को भी कई चीजें करनी पड़ी, कंटेंट क्रिएटर्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज को भी, फिर चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उन्हें कुछ दिनों का कंटेंट जरूर मिल गया। इस पूरे केस में कोई एक पक्ष है जो सही है और दूसरा गलत, लेकिन वो कौन है
इस सवाल का जवाब हम आप पर छोड़ते हैं। हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे द कॉर्ड से जुड़ने के लिए।